Hello everyone, in this video we will do some important previous year question of introduction to computer networks that can come in 1 mark. So let us start with the first question. A dash is a device that connects the organization's network with the outside world of the internet. आपको उस डिवाइस का नेम बताना है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोकल नेटवर्क को आउटसाइड वर्ल्ड के नेटवर्क से कनेक्ट करता है. तो वो डिवाइस हमारे पास है गेटवे. गेटवे क्या करता है? डिसिमिलर नेटवर्क को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, लाइक लोकल एरिया नेटवर्क को वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करता है. फाइन. तो गेटवे वो डिवाइस है जो किसी भी लोकल नेटवर्क को एक बिगर नेटवर्क से कनेक्ट करता है, और यू कैन से इंटरनेट से कनेक्ट करता है. राइट. नाउ कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज नोन एज. इंटरनेट पे हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट जो अवेलेबल है उनको क्या कहा जाता है? हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं? जो एक डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट से कनेक्ट होता है. फाइन. एक वेब पे दूसरे वेब से कनेक्ट होता है, दूसरा वेब पे थर्ड वेब पेज से कनेक्ट होता है. ऐसे वी हैव मल्टीपल वेब पेजेस कनेक्टेड टुगेदर. ओके. तो जहाँ पे मल्टीपल वेब पेजेस एक दूसरे से हाइपर लिंक की हेल्प से कनेक्ट होते हैं तो वो क्या होता है? वो हमारी वेबसाइट होती है. राइट. वेबसाइट में आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो, सेकंड से थर्ड पे जाते हो, फोर्थ पे जाते हो, जितना भी उस एक पर्टिकुलर वेबसाइट में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, राइट, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक. फाइन. नाउ टेलीविजन केबल नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ. टेलीविजन नेटवर्क क्या होता है? टेलीविजन केबल नेटवर्क होता है विद इन अ सिटी. वो पूरा एक सिटी को ऑक्यूपाई करता है. तो वो किसका एग्जाम्पल हुआ? वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल. राइट. ओके. ये क्या करता है? इट कवर्स अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया. राइट. टेलीविजन केबल नेटवर्क क्या करता है? एक लार्ज एरिया को कवर करता है बाय कनेक्टिंग द लोकल एरिया नेटवर्क्स. राइट. छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करके वो एक पर्टिकुलर सिटी का केबल नेटवर्क बनाता है. फाइन. दैट्स वाई टेलीविजन केबल नेटवर्क क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है. ओके. नाउ विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउजर. आपको बताना है इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है. क्रोम आपका ब्राउजर है, फायरफॉक्स भी ब्राउजर है, और आपका एज भी ब्राउजर है. अवस्त क्या है? आपका एंटीवायरस है. फाइन. तो अवस्त क्या है? आपका ब्राउजर नहीं है. तो आपका आंसर है अवस्त. राइट. नाउ टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम the network, a system known as dash can be implemented by hardware or software. Okay. तो यहाँ पे क्या कह रहा है? Unauthorized access को prevent करने के लिए आप एक network में hardware की form में या software की form में एक system को implement करते हो. Fine. तो वो system क्या होता है? उस system को हम बोलते हैं firewall. राइट. फायरवॉल एक ऐसा सिस्टम है जो आपके नेटवर्क में अनऑथोराइज्ड एक्सेस को नहीं आने देता, मतलब अनऑथोराइज्ड एक्सेस नहीं होने देता है आपके नेटवर्क में. और आप इसको हार्डवेयर की फॉर्म में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, लगा सकते हो, और आप इसको एज अ सॉफ्टवेयर भी अपने सिस्टम में यूज कर सकते हो. द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टॉपोलॉजी. इनमें से कौन सा नेटवर्क टॉपोलॉजी नहीं है? नेटवर्क टॉपोलॉजी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क डिवाइसेस. राइट. आप जब नेटवर्क डिवाइसेस का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट करते हो, उनको एक पोजीशन देते हो, उसको हम बोलते हैं टॉपोलॉजी. फाइन. तो यहाँ पे देखो, आपकी स्टार भी टॉपोलॉजी है, मैश भी टॉपोलॉजी है, ट्री इज ऑल्सो टॉपोलॉजी, बस इज ऑल्सो टॉपोलॉजी, बग इज नॉट अ टॉपोलॉजी. तो इसका आंसर हो गया बग. नाउ फॉर वेब पेजेस वेयर द इंफॉर्मेशन इज चेंज फ्रिक्वेंटली, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक प्राइसेस, वेदर इंफॉर्मेशन विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड यू एडवाइज. आप बताओगे वो वेब पेजेस जहाँ पे इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है, फ्रिक्वेंटली इंफॉर्मेशन चेंज होती है, उन वेब पेजेस को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है डायनेमिक वेब पेजेस. राइट. स्टैटिक वेब पेजेस में क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन एक बार आ गई है तो आप वेन एवर यू विल सर्च दैट पर्टिकुलर वेब पेज तो वो सेम इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी. राइट. बट डायनेमिक वेब पेजेस में क्या होता है? वेन एवर यू सर्च डायनेमिक वेब पेजेस, आपको हर बार अकॉर्डिंग टू द टाइम और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी. राइट. क्योंकि डायनेमिक वेब पेजेस में इन्फॉर्मेशन फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है. ओके. नाउ आई कैन कीप यू साइन इन. ओके. तो यहाँ पे ये कुछ आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये क्या है. मैं आपको साइन इन रख सकता हूँ. ओके. आई कैन रिमेंबर योर साइट प्रेफरेंसेस. मैं ये रिमेंबर कर सकता हूँ, ये बता सकता हूँ कि आप कौन कौन सी साइट्स को सर्च करते हो, कौन कौन सी साइट्स पे आप जाते हो. आई कैन गिव यू लोकली रेलिवेंट कंटेंट.
राइट मैं आपसे रिलेटेड कंटेंट आपको दे सकता हूँ. ओके वट एवर द कंटेंट यू वॉन्ट टू सर्च फाइन हु एम आई तो बताओ मैं कौन हूँ. तो ये क्या हुआ, ये हो गया कुकीज. ओके जब आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो तो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स क्या करती हैं, वो आपके ब्राउजर में कुछ टेक्स्ट फाइल्स को स्टोर कर देती हैं जिनको कुकीज़ कहा जाता है. ये टेक्स्ट फाइल क्या करती है, आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके उस पर्टिकुलर वेबसाइट तक पहुंचाती है, जिसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन क्या होगी कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, आप क्या किस टाइप का डेटा सर्च करते हो. फाइन और जैसे आप साइन इन करते हो, साइन इन के बाद आपसे पूछा जाता है डू यू वांट टू सेव योर पासवर्ड. ओके तो अगर आप उस पर टिक कर देते हो राइट तो वो भी कहाँ पे जाके स्टोर जाता है, कुकीज में जाके स्टोर जाता है. फाइन नाउ अ डैश नेटवर्क डिवाइस इज आल्सो नॉन एज एन इंटेलिजेंट हब. कौन सी डिवाइस को इंटेलिजेंट हब कहा जाता है, देखो स्विच क्या है, स्विच एंड हब दे आर सेम डिवाइसेस राइट, दोनों सेम है बट दोनों में डिफरेंस एक ही है. हब क्या करता है, जो भी मैसेज उसके पास आता है वो ब्रॉडकास्ट कर देता है, मतलब जितने भी डिवाइसेस हब से कनेक्टेड होते हैं वो मैसेज को उन सारे डिवाइसेस को दे देता है, सेंड कर देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है मैसेज का. लेकिन स्विच क्या करता है, स्विच के पास जब भी कोई मैसेज आता है वो उस मैसेज को पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के पास ही पहुंचाता है राइट, जिस डिवाइस के लिए वो मैसेज है राइट उस पर्टिकुलर डिवाइस को ही वो मैसेज वो सेंड करता है राइट. तो यहाँ पे स्विच को इस वजह से इंटेलिजेंट हब कहा जाता है राइट. ओके नो नेम एनी टू पॉपुलर वेब ब्राउजर्स, आपको दो पॉपुलर वेब ब्राउजर्स बताने हैं, बहुत सारे हैं जिनमें से दो यहाँ पे दे दिए गए, मोजिला फायरफॉक्स गूगल क्रोम. ओके नो डैश इज अ नेटवर्किंग डिवाइस विच कैन एनालाइज द डेटा बींग कैरिड ओवर अ नेटवर्क. एक ऐसा डिवाइस ओके जो डेटा को एनालाइज करता है, जो वो डेटा जो नेटवर्क के ऊपर ट्रेवल करता है, डिसाइड और अल्टर हाउ इट इज़ पैकेज, वो डिसाइड करता है या बताता है कि डेटा को कैसे पैकेज किया जाए एंड सेंड इट टू अनदर नेटवर्क ऑफ अ डिफरेंट टाइप, और इसे दूसरे नेटवर्क पे किस रूट के थ्रू सेंड किया जाए. तो यहाँ पे कौन सा डिवाइस है, राउटर है. राउटर एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है जो क्या करता है, डेटा पैकेट्स को राइट एक पर्टिकुलर रूट के थ्रू सेंड करता है और पहले वो सारे रूट्स को समझता है, डेटा को एनालाइज करता है और डेटा के लिए बताता है कि कैसे डेटा की पैकेजिंग की जाए और किस रूट से डेटा को सेंड किया जाए. ओके तो यहाँ पे ये नेटवर्किंग डिवाइस क्या है, राउटर है. नाउ विच नेटवर्क टोपोलॉजी टिपिकली रिजल्ट्स इन लेस वायरलेंथ यूसेज एज कम्पेयर टू अदर्स. कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में सबसे कम वायर यूज़ किया जाएगा, तो इनमें से स्टार में भी होती है, मैश में भी काफ़ी वायर यूज, मैश में तो बहुत ज़्यादा होती है ठीक है, हाइब्रिड में भी होती है. आपकी बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल केबल होती है जिसको बस कहा जाता है राइट, एक सेंट्रल केबल है उसके अंदर ही आपके सारे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं राइट. ओके तो इसके अंदर केबलिंग बहुत लेस है राइट, तो आपका आंसर हो गया बस टोपोलॉजी. नाउ एसर्शन, आपके पास एसर्शन है ओके मतलब आपका ये कि पॉइंट दिया गया यहाँ पे, कुकीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स स्टोर्ड लोकली ऑन द क्लाइंट्स वेब ब्राउजर टू रिमेंबर द नेम वैल्यू पेयर दैट आइडेंटिफाइज द क्लाइंट राइट. तो यहाँ पे ये कह रहा है कुकीज एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स है ठीक है, जो क्लाइंट के वेब ब्राउजर में स्टोर होती है और वो क्या रिमेंबर करती है, वो नेम वैल्यू पेयर. नेम वैल्यू से यहाँ पे क्या है, पर्सन का नाम या कंपनी का नाम, एंड वैल्यू से क्या है, उसका फोन नंबर, उसकी अदर डिटेल्स राइट. ओके जिससे कि क्लाइंट को पहचाना जा सके, उसकी आदतों को पहचाना जा सके. ओके अब यहाँ पे रीजन क्या दिया है, कुकीज आर प्राइमली यूज टू ट्रैक यूजर्स फिजिकल लोकेशन. कुकीज से आप यूजर की फिजिकल लोकेशन को पहचानते हो, फिजिकल लोकेशन मतलब इस टाइम वो कहाँ बैठा है, फिर वो उसके बाद कहाँ गया, वो ड्राइव करके कहाँ गया, वो अपने घर में है या अपने नेबर के घर में है राइट. तो ये तो फिजिकल लोकेशन तो पॉसिबल है ही नहीं कुकीज के थ्रू. ओके फाइन तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट है सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. क्योंकि ए तो assertion तो आपका करेक्ट है बट रीजन आपका फॉल्स है कि फिजिकल लोकेशन को वो ट्रैक नहीं करेगा राइट, वो वर्चुअल लोकेशन को ट्रैक करेगा नॉट फिजिकल लोकेशन. फाइन तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है. ओके
Now, internet cookies are text file that contains small piece of data. Again, internet cookies का है text files हैं जो एक small piece of data contain करती है, like username हो गया, password हो गया, user की preference हो गई कि वो कौन सा data search करता है while surfing the internet. Fine, तो आपका assertion true है. Now, reasoning. To make browsing the internet faster and easier, it's required to store certain information on the server's computer. तो वो क्या कह रहा है कि आपको अपनी ब्राउजिंग को फास्टर करने के लिए कि आप बहुत जल्दी डेटा को सर्च करो, ठीक है, आप क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन सर्वर कंप्यूटर पे जाके स्टोर कर दो. ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, सर्वर कंप्यूटर पे आपको अपनी जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल भी स्टोर नहीं करनी है, राइट. आपको अपने पासवर्ड को सेव नहीं करना होता, बिकॉज अगर आप पासवर्ड्स वगैरह सेव कर दोगे तो क्या होगा, कोई भी अगर आपका सिस्टम यूज करता है वो इजिली आपके डेटा तक पहुंच सकता है. फाइन, तो यहाँ पे क्या है, आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. ए इज ट्रू, मतलब assertion तो ट्रू है बट आपका रीजन फॉल्स है. ओके, नाउ assertion. मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर. मॉडम को मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है. मॉड्यूलेटर कब कहा जाता है, जब वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है. कंप्यूटर के अंदर डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, राइट, और जब डेटा ट्रेवल करना होता है थ्रू द टेलीफोन वायर्स तो वो क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है. तो यहाँ पे वो कैसे वर्क करता है, एज अ मॉड्यूलेटर. ओके, और डेटा सेंड हो गया. अब रिसीवर के पास डेटा जाएगा, रिसीवर कंप्यूटर के पास डेटा जाएगा, अगेन आपका मॉडम क्या करेगा, डेटा जो एनालॉग है उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा. पहले उसने डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट किया. तो इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहा जाता है, ठीक है, और उसको मॉड्यूलेटर कहा जाता है मॉडम को. अब अगेन जब रिसीवर कंप्यूटर के पास डेटा गया तो एनालॉग से सिग्नल को अगेन डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, राइट. तो इसको क्या बोला जाता है, डीमॉड्यूलेशन, राइट. ओके, एंड यहाँ पे जो आपका मॉडम है वो कैसे वर्क कर रहा है, एज अ डीमॉड्यूलेटर. ओके, दैट्स व्हाई मॉडम इज आल्सो कॉल्ड एज मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर. ओके, अब इट इज़ अ कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस डेट कन्वर्ट्स डेटा फ्रॉम अ डिजिटल फॉर्मेट टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा. तो यहाँ पे देखो ये करेक्ट रीजन दिया गया assertion का. फाइन, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू. ओके, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए. ओके एवरी वन, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.